आज की जो हमारी वीडियो है वो है सैमसंग कंपनी जो लैपटॉप बनाने जा रही है इंडिया में उसके बारे में है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या कोई भी, तो करंट अफेयर और आपके टेक पार्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सैमसंग कंपनी जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लैपटॉप बनाना शुरू करेंगे इंडिया के अंदर 2024, मतलब इसी साल में। अभी रिसेंट न्यूज़ है क्योंकि इनके जो प्रेजिडेंट हैं वो अभी इंडिया के विजिट पे हैं और ये अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो ये एग्जांपल है एफडीआई की, जो बाकी दूसरी कंट्री आके अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं। इससे अपनी इकोनॉमी में फ़ायदा होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है अपने इंडिया का उसमें बढ़ोतरी मिलेगी देखने को। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको पता होना चाहिए। जो रिसेंट है सैमसंग की जो प्लांट है, सैमसंग के प्लान ये है कि वो मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे लैपटॉप, जो नोएडा के अंदर उनकी ऑलरेडी फैक्ट्री चल रही है और वो इसी साल इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत मतलब पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे आते हैं हम वर्ल्ड में। तो यहाँ पे जो यूज़र हैं या फिर इस यहाँ पे लेबर या मैन पावर या फिर जो स्किल्ड लेबर ढूंढना है, जो मिलना है, वो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना और प्लान करना बहुत अच्छा है बाकी कंपनीज़ के लिए, इसीलिए लोग आ रहे हैं। प्लस अपनी कंट्री का जो अभी रिसेंटली पूरी कंट्रीज पूरे देश जानते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, सेफ्टी है और सेफ है इन्वेस्ट करना, और चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारी कंपनीज़ यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही हैं, करना चाहती हैं और कर रही हैं। जैसे कि थोड़े टाइम पहले हमने सुना था कि एप्पल कंपनी ने भी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो अभी इस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपनी कहाँ की है? सैमसंग साउथ कोरिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यंगटोंग गु सुवोन करके साउथ कोरिया है। और ये जैसे हम जानते हैं सैमसंग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, इंश्योरेंस वगैरह कंपनीज में भी इनका है। तो जैसे हम देखते हैं वॉशिंग मशीन, टीवी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सैमसंग के। तो अभी ये लैपटॉप बनाने जाएंगे इंडिया में, लैपटॉप बनाने शुरू कर रहे हैं। तो अभी ये जो शख्स है, ये वाला, ये है रू करके, TN रू करके है इसका नाम। तो ये अभी यहाँ पे विजिट पे आए हुए हैं इंडिया में, और यहीं पे आके इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पे लैपटॉप बनाना शुरू करेंगे इस कंपनी। तो इन्होंने बताया कि कंपनी जो है इसी साल स्टार्ट करेगी नोएडा फैक्ट्री में, प्रिपरेशन जो है उसके लिए वो चल रही हैं और काम कर रहे हैं लोग उसके ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेसिडेंट और हेड है मोबाइल एक्सपीरियंस बिजनेस का, इसका नाम है TM रू, ये आप देख रहे हो TM रू करके, जो इंडिया के विजिट पे आया हुआ है। तो इसने बताया कि जो इंडिया है बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस है कंपनी के लिए, और यहाँ से सपोर्ट जो है बहुत सही सपोर्ट मिल रही है, स्टेट लेवल की भी और सेंट्रल लेवल की। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं इनके साथ, और आदित्यनाथ योगी जी 2018 में आए थे, और तब से इनको कंपनी को है कि बहुत अच्छा है। तो अभी अपने को पता है कि कंपनी ने रिसेंटली एक लॉन्च किया है फ़ोन, फ्लैगशिप गैलेक्सी S24 सीरीज स्मार्टफोन, जो फोकस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी इस डिवाइस के अंदर है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, हम देख रहे हैं बहुत सारी न्यूज़ और इसकी इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये फ़ोन के अंदर है। तो कंपनी ने, सैमसंग कंपनी ने ये भी डिसाइड किया है कि ये फ़ोन भी नोएडा के अंदर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी उन्होंने, जैसे मैं पहले बताया कि नोएडा जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन बेस है सैमसंग का, और ये सेकंड लार्जेस्ट बेस है सैमसंग का। ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, कि सैमसंग का जो सेकंड लार्जेस्ट बेस है वो यहाँ पे है। और उन्होंने बोला कि कुछ चेंज करेंगे प्लांट के अंदर जो ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए, बाकी सब चीज़ें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इनकी ज़रूरत है सैमसंग के जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए। तो कई सारे गवर्नमेंट फ्रेंडली प्लान की वजह से इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपने प्रोडक्शन को और अपने प्लांट को और बढ़ाएंगे। तो बाकी ये जो सेक्टर हैं हमारे इंडिया के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जितने भी रिलेटेड हैं, इकोनॉमी अपने में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो अभी करंटली नोएडा के अंदर जो सैमसंग का प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे क्या क्या फ़ोन, स्मार्टफोन, वेयरेबल, टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बन रही हैं, और ये अभी लैपटॉप बनाना भी शुरू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन
और जो लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे पता चलता रहे। तो ये आपका करंट अफेयर और टेक पार्ट के लिए है, बाकी चीज़ें हम पॉलिटी और ज्योग्राफी और बाकी सारे लेक्चर भी कवर कर रहे हैं अगर आप सिविल सर्विसेज या फिर कहीं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू।